हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो आज है अष्टमी, मम्मी के घर पे कंजक रखवाए हैं, कन्या पूजन है, तो शिवी भी रेडी हो गया है, शिवी को इनविटेशन मिला है। शिवी तुम क्या बनोगे आज बताओ? तो बस चलते हैं और आगे। आज मार्केट में भीड़ कम है, आज मंदिरों में भीड़ ज़्यादा होगी, मंदिरों में भीड़ है और फिर लोग आज कंचक पूजते हैं ना, कन्या पूजन वगैरह, तो मार्केट में कम है आज भीड़। रोड शांति है, ऑलमोस्ट बहुत कम भीड़ है। आज बच्चों की भी छुट्टियां हैं अष्टमी नवमी की। देखिए सब लोग मंदिर से आ रहे हैं, सुंदर सुंदर तैयार होके नवरात्र। सारे लोग इतना सब साड़ी सूट बिल्कुल प्रॉपर इंडियन अटायर में, और अच्छा भी लगता है देखने। फाइनली आ गए। अरे वाह, ये देखो सब तैयार बैठे हैं यहाँ, तो कंचे के भी पहुंच गए। अरे वाह लबू, लबू कैसे हो? हैप्पी नवरात्रि। हेलो, बोलो हैप्पी नवरात्रि। बोलो नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि बोलो जल्दी। हैप्पी नवरात्रि, नमस्कार। चलो चल रहे, चलो चलो। ये मैंने क्या पहना है देखो, पहना? मामा, तुम मामा नहीं हो यार, तुम मामा नहीं हो। भैया हूँ, भैया हूँ, बोलो ना? हाँ भैया हो। नाते हुए आ रही हूँ, कह रही हूँ भाभी नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। आपके पर्स में पैसे हैं ये बताओ, हैं नव्या, इसमें पैसे हैं क्या? नहीं है। क्यों, कहाँ गए पैसे? चल प्यारी प्यारी कन्याएं। सब पर्स लेके घूम रहे हैं या बिना पर्स के भी घूम रहे हो? हाँ जी। मम्मा क्या कर रही हो? अच्छा घी पिघला के यहाँ पर बन रही हैं पूड़ियाँ। यहाँ पे पापा नारियल तोड़ रहे हैं, ये सबसे टफ काम है ना पापा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये खंड जो चलाई है मम्मी ने। देखते हो घर में पहाड़ी गाने? हैं? अरे वाह, मतलब बच्चे पहाड़ी गाने के फैन। अरे वाह, इसने तो इतनी सारी चूड़ियां पहनी है। दोनों ने पहनी है। किसने दी चूड़ी? किसने, कौन लाया, कौन लाया? किसी ने क्या उसमें कन्या में दी क्या इसको? अच्छा, अरे वाह, अरे ये एक दूध ले, दूध की बॉटल लेकर के। हाँ
भाभी एक टॉवल दे दो बच्चों को हाथ पोछने के लिए। ये तो कितने प्यार से बैठे हैं ना। नल तो जब क्यों घूम जाने पीछे का सब चल पड़ जाना है। कोई बात नहीं ठीक है ही ना। अब ठीक है देखो मैंने बच्चों के लिए लग गया है माता रानियों को भोग लगाने के लिए। अच्छा रायता भी बनाया। हाँ सब ड्राई ड्राई हो जाता है ना तो। और वैसे रायता ही बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। जय जय। अरे जय माता दी। ये आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो बाबू। हाँ बैठते ही कहाँ हैं बच्चे। वो तो फिर भी इतना बैठ जा रही है कहो। हाँ लो 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 आप भी ले। अब कोई बात ना आप जीत कर से के बाद में अभी ले लो के बाद में अभी हो नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो ये फास्ट और ये जैसे नवरात्रि वगैरह आते हैं तो कई लोग क्या होते हैं डेली रूटीन में फास्ट रखते हैं मंडे ट्यूसडे कोई सा भी दिन हो। बट कई सारे लोग क्या मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं रखते हैं तो पूरे नवरात्रि भी रखते हैं लोग। तो क्या होता है ना माइंड एकदम भक्ति में हो जाता है सारा इन्वायरमेंट एकदम अलग सी वाइब जाने लग जाती है और बहुत अच्छा सा फील होता है रिलैक्स फील होता है बढ़िया अच्छा सा लगता है। तो इस चीज़ के लिए ये बेस्ट है और आते रहने चाहिए ऐसे फेस्टिवल्स आते रहने चाहिए। हमें उन्हें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और अभी आजकल ही देखिए आप अच्छे से कीर्तन भजन कर रहे हैं कहीं भी बाहर निकलो इतने अच्छे से भजन सुनाई देते हैं कीर्तन सुनाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान को जोड़े रखता है अच्छाई की ओर भी। तो ये तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है फेस्टिवल की ये चीज़ जो वाइब्स होती है। आपको क्या लगता है। जैसे हम लोग भी बचपन में जाते थे तो याद आते हैं वो दिन। और एक टाइम ऐसा आता था फिर कि पेट भर जाता था और फिर छुपते थे हम कि यार अब तो पेट भर गया हम नहीं जाना हम नहीं जाना। लेकिन आता है तो नवरात्रों में मिलती नहीं है कन्या तो फिर वो ले जाते थे ज़बरदस्ती और फिर हम बोलते थे नहीं नहीं हमें नहीं खाना। फिर आंटी लोग बोलते थे बेटा ऐसा करो ना पैक कर देते हैं तुम घर लेके जाना घर पे खाना। तो ऐसा भी होता था। बट अच्छा है वो यही टाइम बेस्ट है। और तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नई नई चीज़ें आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कुछ नया करूँ नया ऐड करूँ। ओके टेक केयर बाय बाय।